हाय फ्रेंड्स, रौनक की रसोई में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल वड़े की सब्जी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है जिसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रखा था और इसे मैंने साफ कर लिया है। अब यहाँ पे लेंगे हम एक मिक्सी का जार और जार में डालेंगे हम अपनी दाल और दाल डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी का जार बंद कर दिया है, अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी अच्छे से पीस के तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से हम अपनी सारी दाल पीस करके तैयार कर लेंगे। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सारी दाल को हम इसी तरह से पीस करके तैयार कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। दाल हमारी अच्छे से पीस के रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑन करते हुए इसके ऊपर हम रख देंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम खूब सारा सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब पेस्ट में हम मसाले डाल लेते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, और लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ता। सारे मसालों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। सारे मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम वड़ियां तोड़ लेंगे। इसी प्रकार से हमें अपनी सारी वड़ियों को फ्राई करना है। बढ़िया, हमारी एक तरफ से सिक्के रेडी हो चुके हैं। अब अलटते पलटते हम दूसरी साइड से इन्हें सेक के तैयार कर लेंगे। बढ़िया, हमारे सिक्के रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सारी वड़ियों को हमने इसी तरह से तल के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो वड़ियों को लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे ही इन्हें सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। कढ़ाई में ऑयल बचा था, इसी के अंदर हम डाल देंगे जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे।
अब इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे सारा। हमारा जो मेरी वीडियो देखता है उनको पता है कि मैं सारा अपना मसाला सिलबट्टे पर ही पीस कर लेती हूँ। इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डाल के थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसे ढक करके पका लेंगे 3 से 4 मिनट। मसाला हमारा पक के रेडी हो चुका है। और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से सब्जी में हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट और ढककर पका लेंगे। मसाला हमारा लगभग पक के रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ चुका है इसमें। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें लगभग हम 1 से 1.5 लीटर पानी डालेंगे। ताकि वड़ियों को जब हम इसमें डालें तो वड़िया हमारी अच्छे से फूल के तैयार हो जाएं। अब इसे हम ढक करके छोड़ देंगे और एक उबाल आने तक रहने देंगे। इसमें अच्छा उबाल आ चुका है। अब इसमें हम वड़िया डाल लेंगे। हमने सारी वड़ियों को अपने डाल देना है इसमें। बढ़िया, देखने में हमारी कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसे ढक करके छोड़ेंगे लगभग 15 से 20 मिनट। देखिए फ्रेंड्स बढ़िया, हमारी अच्छे से फूल चुकी हैं और लगभग ये बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डाल के इसको हम सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा चलाते हुए अब ये सर्व के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।